हम क्या पढ़ाए थे लीफ के बारे में, जैसे मान लो ये स्टेम है, शांति से समझते चलना, फिर आपको वीडियो दिखाते हैं ना, ठीक। ये आपका स्टेम है बोला, लीफ लाने का वो ध्यान ही नहीं रहा, ठीक। नेक्स्ट, हमको अभी लिखना नहीं है सर, नहीं आप लिखना नहीं है साइंस पर, पढ़ा रहे हैं सर, हाँ साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं। अब शांति से मैंने सुनो, लिख दिया सर, लिखना नहीं नहीं अभी लिखो नहीं, लिखने के लिए बोलेंगे तो लिखना, ठीक है ना। तो आपको क्या बताए थे प्रीवियस क्लास में, आपको हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स में बाबू आपका बेसिक जो भी है, जैसे प्लांट्स कौन कौन से टाइप का होता है, तो प्लांट्स में मेरा क्रीपर होता है, क्लाइंबर्स होता है, ट्रीज होता है, शांति से सुनते चलना शिवांश, है ना बाबू। हर्ब्स होता है, श्रब्स होता है, ये सब बता चुके हैं ना, जिसको नहीं बताया उसको फिर से एक बार रिवाइज करवा देंगे, है ना, नेक्स्ट वीक से, है ना, ठीक। तो प्लांट में क्या क्या जी पार्ट रहते हैं बाबू, है ना बाबू, आपका लीफ रहता है, फ्रूट्स रहता है ना, फ्लावर वगैरह रहता है। तो अभी आपको हमने क्या बताया था प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीक में लीफ के बारे में बताए थे। तो ये है जो भोला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह से जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको लीफ कहते हैं, क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं, है ना, लीफ कहते हैं। लीफ में वो देखोगे स्टेम से इधर ये डंटी होता है, इसको क्या कहा जाता है, पेटियोल कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं, है ना, सारे बच्चे को याद होना चाहिए। ये आपका क्या बाबू, पैटियोल है, क्या है, पैटियोल है, ठीक। नेक्स्ट, रीब में बाबू, लीफ में बीच से इस तरह से एक स्ट्रक्चर पार्स होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिडरीब कहेंगे, क्या कहेंगे, मिडरीब कहेंगे, है ना। रोना नहीं है सिवान बाबू, इन्हें की रोना धोना शुरू हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपको लीफ ला के बताया था ना प्रीवियस बार में, यहाँ पे जो टॉप है इसको एपेक्स कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, लीफ का, है ना बाबू, एपेक्स कहेंगे। सर लीफ ये जो चौला है सर पोहला सब पोर्शन बाबू, इसको क्या कहा जाता है, लेमना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेमना कहा जाता है ना। तो लीफ में कौन कौन से पार्ट होते बोला, वो आपको आना चाहिए, फिर वीडियो दिखा के समझा देंगे एक बार, है ना। एपेक्स किसको कहो, जो लीफ का सबसे टिप वाला पोर्शन होगा ना, सबसे लास्ट वाला जहाँ पे बाबू, है ना, नुकीला टाइप का होगा, है ना, उसको एपेक्स कहेंगे। और लीफ का जो चौला सा पत्ती है ना, उसको लेमना कहा जाता है। बीच में लीफ में देखो बाबू, इस तरह से एक हड्डी जैसा है ना, स्केलेटल जैसा पास होगा, इसको मिडरिब कहेंगे। और इसी में लीफ में देखना माइक्रो जो है ना, थोड़ा सा देखोगे ओपन करके, इस तरह से क्या रहेगा, है ना, थोड़ा सा इस तरह सर से, है ना, वेन कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, वेन वगैरह कहेंगे, है ना, वेन वगैरह कहेंगे, ठीक, है ना। और ये लीफ जो है ना, जैसे आपका फ्लावर हो गया था, फ्लावर का बाबू डंटी पकड़ के देते ना बोला, है ना, जैसे आपको किसी फ्लावर को देता, तो फ्लावर का क्या, फूल पकड़ के नहीं ना देते हो, उसमें क्या होता है, डंटी होता है। एक लड़की आई जो मेरे फ्रेंड है, मुझे परेशान कर रही है बार बार। तो आपके घर में कैसे एंट्री हो गई भोली, आप उसको एंट्री दिया तब ना एंट्री हो गई जी। उसके घर में ताला लगा है तो आ जाती है वो। अच्छा ठीक है, उनके मम्मी से बात करवा दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट, तो आप किसी को फ्लावर देते हो, हाँ बोलते हो हैप्पी बर्थडे, तो फ्लावर का कौन सा पोर है, रोज वाला फ्लावर देते हो तो कौन सा पार्ट पकड़ते हो, उसका पेटियोल पकड़ते हो, किसको, डंटी जो होता है ना, जो है उसका पेटियोल पकड़ते हो, है ना, ठीक। तो ये लीफ का क्या है, बेसिक सा है ना बाबू पार्ट, आपको नाम होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए। अब लीफ का हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, शांति से लिखना नहीं, अभी अब लीफ बनाई का आगे, पाऊंगी ना तो कॉल मारूंगी। हल्ला नहीं, लीफ का हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन मतलब क्या बाबू, फंक्शन ऑफ लीफ मतलब क्या सर, लीफ क्या, नहीं लीफ क्या काम करता है, लीफ क्या, फंक्शन कहने का मतलब बाबू लीफ का क्या काम है, लीफ का क्या काम है, फंक्शन ऑफ लीफ का क्या काम है ना, फंक्शन ऑफ लीफ मतलब बाबू लीफ क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है, लीफ मेरा क्या बनाता है, खाना बनाता है, लीफ मेरा क्या करता है, खाना बनाता है। फिर लीफ मेरा क्या करता है बबू, है ना बबू, ये वाटर वगैरह, वाटर वेपर वगैरह क्या करता है, सिक्रेट करता है, एक्सक्रेट करता है ना, ठीक। नेक्स्ट भोला, और लीफ बबू क्या लेता है, सांस लेता, हवा वगैरह लेता, क्या लेता, हवा वगैरह लेता। तो लीफ का तीन फंक्शन, म्यूट करो जी, शांति से समझना, फिर वीडियो आपको दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, है ना। लीफ का कितना फंक्शन होता, तीन फंक्शन होता। तो लीफ देखते बाबू, पेड़ पौधा खाना कैसे बनाता है, लीफ है ना उसका खाना बनाता है बबू, और उसी खाना हमको जो बचता है स्टोर होता है उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, है ना, उसी में बाबू फ्रूट्स तैयार होता है, जो बचता है उसी को हम लोग खाते हैं, खा के हम लोग क्लास कर रहे हैं ना, ठीक। तो लीफ का जो खाना बनाता है ना बबू, लीफ जो खाना तैयार करता है, जैसे आपके मम्मी किचन में खाना बनाती है ना, तो उसी तरह से प्लांट भी क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। तो लीफ जब भोजन बनाता है ना, उसी प्रोसेस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता हाय है ना।
तो लीफ का तीन फंक्शन, पहला फंक्शन क्या बाबू, फोटोसिंथेसिस। ये सब वर्ड सीखते चलना, आप किस ये क्लास तो में गलत हो। बात, लीफ अपना मेहनत करके खाना बनाता है और हम खा जाते हैं। हाँ, ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दो, है ना, बोलिए। ठीक, आप भी बड़े हो जाओगे ना, तो छोड़ दो खाना पीना, छोड़ दो, गलत बात है, तो कल से नहीं खाना है ना बाबू। शिवान वीडियो ऑन करो, भोला। ए हर्ष दीप ऑन करो, आकांक्षा बोलिए ऑन देख कीजिए। लेंगे सर, फोटोसिंथेसिस फोटो और सिंथेसिस अलग अलग रहेगा। पिछले नहीं, वाला के बाद सर हम एक तो ही में पानी होता, भूखे काम कर पानी। हालांकि फोटोसिंथेसिस एक ही होता है, ठीक है ना, एक ही होता है। तो पहला आपका फंक्शन लीफ का क्या, फोटोसिंथेसिस है। सेकेंड फंक्शन क्या होता बाबू, ट्रांसपायरेशन होता है। ये क्या होता है सर, बता रहे हैं, लिखना नहीं, ट्रांसपायरेशन होता है ना, ट्रांसपायरेशन होता है। देखोगे बाबू लीफ वगैरह को, बाबू किसी प्लास्टिक में आप लीफ है ना, आप जैसे आपके पास ये पॉट है, गमला का पौधा है, ठीक है सर, उसमें पौधा सर, आप लगा जो हुआ है। लिखवा रहे हैं उसे लिखना है क्या? ऐसे था ना, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे। आप देखो ट्रांसपायरेशन मींस क्या होता है बोला है ना, ट्रांसपायरेशन मींस क्या होता है बोला, आप देखो एक गमला का पौधा ले लो है ना बाबू, पौधा में गमला ले जो भी कहो है ना, और उसके किसी एक लीफ के बाबू है ना, उसको प्लास्टिक से पैक कर दो। क्या करो, प्लास्टिक से क्लोजली पैक कर दो, और थोड़ा देर है ना, थोड़ा देर के बाद देखो बाबू, तो जो प्लास्टिक है उसमें वाटर वेपर्स वगैरह आपको क्या दिखाई देगा, पानी के बूंदा वगैरह दिखाई देगा। मतलब क्या सर, लीफ मेरा क्या करता है, पानी को बाहर निकालता है, वाटर वेपर को क्या निकालता है, बाहर निकालता है ना। जैसे हम लोग, जैसे समझो जैसे हम लोग हैं, तभी अब कौन सा सीजन आएगा, समर सीजन है ना, तो ज्यादा गर्मी आएगा भोला, तो देखोगे स्किन से बाहर पानी बाहर निकलता है। तो जब हमारे स्किन से पानी बाहर निकलता है कि नहीं निकलता, निकलता है ना भोला, है ना, तो हमारे बॉडी के स्किन से पानी बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वेटिंग कहते हैं, पसीना जिसको इंग्लिश में कहते हो है ना, पसीना वही ना होता। तो ठीक उसी प्रकार भोला, लीफ जो है उसके सरफेस से वाटर वेपराइज होता है, बाहर निकलता है एटमोस्फेयर में, पानी बाहर निकलता है। तो उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है शिवान भोला, ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ठीक, एक मेरा बाबू होता है रिस्पायरेशन, लीफ मेरा क्या कर सांस लेता है, रिस्पायरेशन। एक क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है ना, अभी वीडियो दिखाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। एक प्रोसेस क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है ना, जैसे हम लोग बाबू सांस लेते हैं ना, अगर नाक मुंह बंद कर दे है ना, तो फिर नहीं पढ़ा पाएंगे, ऊपर हो चल जाएंगे है ना भोला, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो उसी तरह से लीफ भी क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है ना। तो जब वो ऑक्सीजन वगैरह लेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वो आज है ठीक, उसी को क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। तो बाबू लीफ का तीन फंक्शन, पहला खाना बनाना, खाना बनाना को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहेंगे है ना। नेक्स्ट बाबू आपका ट्रांसपायरेशन, लीफ के सरफेस से पानी बाहर निकलेगा, जैसे हम लोग के स्किन से गर्मी के सीजन में पानी बाहर निकलता है ना बाबू, निकलता है कि नहीं निकलता है ननिया, शरीर से पानी निकलता है। बाहर यस निकलता है ननिया। सर, यस सर, हाँ, सर पानी तो नहीं होता, पसीना होता तो उसी पानी टाइप का जो लिक्विड होता है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्वीट कहा जाता है, पसीना कहा जाता है। ठीक, तो उसी तरह से लीफ के सरफेस से पानी हुआ वाटर बाहर निकलेगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपायरेशन कहेंगे। रिस्पायरेशन हम लोग जैसे सांस लेते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधा भी सांस लेता है। ट्रांसलेशन हमारे में भी तो होगा ना। हाँ, तो उसी तरह से वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, अनन्या वीडियो रिस्पायरेशन कहेंगे। अब बारी बारी से सबको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पहला मेरा क्या है, फोटोसिंथेसिस है, पहला क्या है, फोटोसिंथेसिस है। तो इसको डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद आपको वीडियो दिखाते हैं ना, वीडियो दिखाते हैं फोटोसिंथेसिस। सर द प्लांट्स सर मेक फूड फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। खाना बनाता है उसको हाँ फोटोसिंथेसिस कहते हाँ प्लांट जब हैं। अपना भोजन खुद तैयार कर, ऐसे था सुनो, प्लांट जैसे आप लोग के मम्मी किचन में जाती है, मसाला निकालती है, पानी नल से निकालती है, चावल लेती है, सारे को मिक्स करके कुकर में डालती है, आपका बाबू बिरयानी तैयार हो जाता है।
आपका बाबू मेरे वो घर में मम्मी आप खाना बन, कभी बिरयानी बन रहे हैं। अच्छा ठीक है, खाना बनाई तो खाना बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ा? वाटर है ना, आपका बाबू हीट जरूरत पड़ा, और आपको क्या गैस की जरूरत पड़ा, क्या पड़ा? गैस की जरूरत, तो उसी लिए बाबू प्लांट को भी बाबू कुछ कुछ है ना रिक्वायरमेंट होता है ना, है ना। तो इस जैसे आप लोग का घर में खाना बनता, उसी तरह से प्लांट के अंदर भी खाना बनता है। कैसे बनता है बताते हैं, बताते हैं। तो राइट डाउन करो, इसको डिफाइन करो, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। हाँ सर इसको लिखना है, मैंने लिखिए, डॉली इसको बदला था। सर लिखिए, इसको क्या लिखो। शिवान बोला फूड फॉर द प्लांट्स इज कॉल्ड अच्छा ठीक है, व्हाट? सर इसे लिखना है। हाँ बोलिए, लिखिए बाबू। सर मनीषा भोली, पापा जी आ गए बाबू? नो सर, हाँ, तो आपके पापा जी नहीं आए बाबू, लेकिन क्लास में आ जाते, इसलिए वीडियो ऑन कीजिए। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ ना, एक कार्बन अलग और डाइऑक्साइड अलग। साथ। म्यूट करो, लीव्स मेक दियर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड बाबू सर वो अब क्लोरो। जिनको गैस दिया है कार्बन के बाद, वो कार्बन हम अलग से स्पेस देंगे डाइऑक्साइड के बाद लिखेंगे या? सर फंक्शन नहीं, ऑफ, सर आपने लिखा फंक्शन ऑफ लीव्स, वो तो भी उसके लिखेंगे साथ सर? लिखेंगे अलग। अलग अलग फंक्शन मेरे लाल, अलग अलग। ऑफ लीव्स भी लिखना है, फंक्शन ऑफ लीव्स। हाँ मेरे और लाल, ये जो मेन है, ये मेन हेडिंग हुआ मेरा भोला, उसके नीचे तीन फंक्शन और लीव का तीन फंक्शन, दिस दिस दिस। अब बारी बारी से सारे को डिफाइन करो। वो क्या लिखे हैं, वाटर एंड क्लोरो क्लोरोफिल? एंड सर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, ये क्या होता है? बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं। सर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन ऑन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। अच्छा सर अच्छा सर अब सर हाँ बाबू, सर ये आपने का मैंने आपसे कार्बन क्या डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अरे मेरे लाल अलग ही लिख लो, कहा? यहाँ पे तो एडजस्ट नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन क्लोरोफिल इन द, उसके बाद आपने क्या लिखा है? इन द प्रेजेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सर सनलाइट एक साथ होता है। सर अरे अलग अलग लिखो, सनलाइट सनलाइट अलग अलग लिखो। ये कौन सा इंग्लिश है? वही तो मेरे ला, अच्छा सर, मैं तो एक साथ लिख चुका ठीक है, लिखे। म्यूट करो, म्यूट करो बाबू। पहले। सर जूम आपने कीजिए ना। सनलाइट, उसके बाद पूरा क्या लिखा है? सर सनलाइट, आईफोन दिस मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड, दिस मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड, सर स्क्रीन शेयर कीजिए, दिख नहीं रहा है। दिस मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड, आपको रटना नहीं, हम समझाते हैं।
फोटोसिंथेसिस। इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बता रहे हैं सारे का मतलब बस। सर अब दूसरा का लिखना है क्या डिफिनेशन? नहीं सर लिखिए फिर समझा रहे हैं। ठीक है बाबू नहीं नहीं दूसरा वाला का जी अभी अभी थोड़ा सा बड़ा। हाँ बाबू शिवान बाबू मेरे को है। शिवान वीडियो ऑन कीजिए। शिवान वीडियो ऑन कर बोले। हाँ शिवान क्लास सर बहुत ब्लर दिख रहा है। इंग्लिश क्लास नहीं बाबू कल नहीं होगा। होगा सर बहुत ब्लर दिख रहा है। सर हाय शैतान है आकांक्षा। नेट वाईफाई नहीं है जी। शैतान मोबाइल घुमाए फिर आकांक्षा। भी सर ब्लर दिख रहा है फिर भी मोबाइल घुमाए वो मोबाइल घुमाए। बोलिए अनन्या वीडियो ऑन कीजिए जी। रिकॉर्ड पॉज नहीं हुआ था जी। हल्ला नहीं दे बाबू। अनन्या मन सर नहीं लिखे अभी जी। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। सर आप ग्रुप पे भेज दीजिए ना। ये सब बच्चा भोले आके इसको पीटेंगे। लिए इतना देर से कर क्या रही थी जी शुरू थी वीडियो बंद करके। अच्छा बंद नहीं था मेरी मम्मी बात कर रही थी। देखो बाबू अब शांति से समझो। शांति से समझोगे सुनोगे समझ में आ जाएगा। ठीक चलिए देखिए क्या है। हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू लीफ के बारे में। तो लीफ का फंक्शन। लीफ का फंक्शन कहने का मतलब लीफ क्या काम करता है। तो लीफ का तीन काम है। पहला खाना बनाना। दूसरा बाबू पहना वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स को है ना बाबू बाहर निकालना अपने बॉडी सरफेस से लीफ के सरफेस से। और एक होता है सांस लेना। खाना जब लीफ बनाता उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब शांति से सुनना। जैसे आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती है तो वहां पे मटेरियल रिक्वायरमेंट है ना कि खाली किचन में जाकर ऐसे खड़ा हो जाएगा खाना बन जाएगा। वहां पे मटेरियल चाहिए। अब आपने शांति ग्रुप सुनो। में भेज दिया। हाँ भेज दिए। अब शांति सुनो। आपको बाबू अगर खाना बनाना फूड बनाना तो क्या क्या चाहिए। बाटर चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ सर। अब लिख रहे हैं तो वो हमको भी लिखना है फूड वाटर। नहीं नहीं ये लिख नहीं लिखना नहीं है। शांति से सुनो समझना है खाली। ठीक खाना बनाना बाबू तो आपको हीट चाहिए है ना। गैस चाहिए ना जी। गैस के बिना खाना कैसे बनेगा है ना। तो गैस जलेगा तो उससे क्या होगा आपको हीट निकलेगा। ये सब लिखना नहीं है खाली शांति से सुनना है। ठीक थोड़ा सा क्या चाहिए मसाला वगैरह चाहिए है ना बाबू। यूटेंसिल्स वगैरह चाहिए। खाना बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो चाहेगा तभी ना वो खाना बनेगा। ठीक तो उसी तरह बाबू ऐसा ना शांत रहिए पहले शांति सुनो। उसी तरह बाबू प्लांट जब अपना खाना बनाता है बाबू तो उसके लिए उसको रिक्वायरमेंट चाहिए। तो प्लांट को खाना बनाने के लिए बाबू भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। तो याद रखना पहला बाबू आपको क्या चाहिए बाबू कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। मतलब गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बाबू गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है गैस है। कौन सा गैस है सर कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम लोग सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद सांस बाहर निकालते हैं तो जो गैस हमको हम बहन बाबू जो लोग जो बाबू हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं अपने नोज के थ्रू प्लांट है ना। हल्ला नहीं जो गैस बाबू हम लोग अपने ना नोज के थ्रू बाहर निकालते हैं वही गैस कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना बाबू जो आदमी वगैरह हो गया है जो मूवेबल हो गया जो घूमता फिरता वो कौन सा गैस छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। और यही गैस हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना वही प्लांट क्या करता है ऑब्जर्व करता है लेता है। ठीक तो उसको बाबू शांति से सुनते चलो। फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आ जाएगा। शांति आप लिखना उखना नहीं लिखोगे जंतर मंतर कर देंगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले शांति से सुनो। आई अरब नहीं आया जी। अरब पटना आया जी कि नहीं आया जी। अरे गया वीडियो ऑन कीजिए। हाँ चलो अब शांति से सुनो जी। देखो आपको हम क्या सिखा रहे हैं कि प्लांट कैसे कैसे खाना बनाता है ना। अभी वीडियो फिर दिखा देते हैं। तो पहले आपको सुन लो कहानी सुन लो। प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मटेरियल दोगे ना तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये कहाँ से मिलेगा।
तो जो हमारे एटमोस्फेयर है ना, अभी आप लोग बैठे हो तो चारों तरफ आपके बाबू क्या है, गैस है, तो जो आपका एटमोस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन गैस भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो हम लोग जो गैस छोड़ते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और लेते हैं गैस कौन सा, ऑक्सीजन वाला लेते हैं। ऑक्सीजन वाला लेते हैं, हमारे लंग्स के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, फिर इसको प्लांट को दूसरा मटेरियल कौन सा चाहिए, दूसरा चाहिए आपको बाबू हीट, एनर्जी चाहिए, तो दूसरा इसको सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए, सन चाहिए, सन का लाइट चाहिए, मतलब हीट एनर्जी चाहिए। जैसे खाना बनाने गैस चाहिए ना जी, और उसको हीट चाहिए कि नहीं चाहिए, बिना बर्तन गर्म हुए कैसे खाना बनेगा। तो उसी तरह से बाबू दूसरा सन आपको, ये बाबू कार्बन डाइ, इसको क्या चाहिए बाबू, सनलाइट चाहिए। प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, शांति से सुनते चलना। फिर क्या चाहिए बाबू, वाटर चाहिए। क्या चाहिए, वाटर चाहिए, बिना पानी के खाना नहीं बनेगा। क्या चाहिए, वाटर चाहिए, पानी चाहिए, है ना, वाटर चाहिए। एक चीज और चाहिए, है ना, चार चीज प्लांट को रिक्वायरमेंट होता है खाना बनाने के लिए। जैसे आपकी मम्मी किचन में जाएगी तो खाना बनाएगी, तो खाली बाबू खाना बनाने के मम्मी को क्या चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, पानी चाहिए, कुकर चाहिए, है ना, या मसाला बर्तन बर्तन चाहिए, उसमें तेल मसाला मिक्स, गया। अच्छा ठीक है, मसाला वगैरह डालने के लिए चाहिए। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार भोला प्लांट को खाना बनाएगा तो क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। प्रॉफिट प्रॉफिट शांति शांति सुनो, हला नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कहाँ से मिल जाएगा, हमारे चारों तरफ एटमोस्फेयर से मिल जाएगा। सनलाइट, ये सूरज देव है, कौन है, सूरज देव। सनलाइट बाबू कौन होते हैं, सूरज देव है ना बाबू, जिसको आप लोग क्या कहते हो, सन भगवान, सूरज भगवान कहते हो ना जी, सूरज देव। देव मीन्स क्या होता है, गॉड होता है, गॉड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, है ना, देव कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड को हिंदी में हम लोग भगवान, देव कहते हैं ना, देव कहते हैं। ठीक, तो सनलाइट चाहिए, सनलाइट कौन देंगे, सूरज देव देंगे, है ना, सनलाइट कौन देंगे, सूरज देव देंगे। फिर आपको वाटर चाहिए, तो वाटर मतलब क्या होता है, जल देव, आप लोग को वो हिंदी में पढ़ाया गया होगा। वाटर मीन्स क्या होता है, वाटर मीन्स पानी होता है या जल होता है ना, जल होता है ना, जल होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे याद करके याद रख सकते हो, वाटर मतलब क्या हो गया, जो जल देंगे उसको जल देव कहते हैं, जल देव कहते हैं। जैसे जल देव कौन है, वर्षा देने वाले देव कौन है, इंद्र देव है ना जी, वर्षा कौन प्रोवाइड, इंद्र देव कहते हैं ना, तो वही जल देव हो गया। तो ये सूर्य देव हो गया, ये जल देव हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, वायु है, एयर है, तो ये वायुदेव हो गया। और एक होते तीन देव आपके हो गए, ये वायुदेव हो गया, सूर्य देव हो गया, ये आपका जल देव हो गया। बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होगा हिंदी में, है ना, तो छोड़ो हिंदी छोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया, ये आपका सनलाइट हो गया। एक बट एक चीज और चाहिए, मसाला वगैरह, है ना, जैसे आपके मम्मी के किचन किंग मसाला डालती है, तो प्लांट को मसाला कहाँ से मिलेगा, है ना, मसाला वगैरह कहाँ से मिलेगा, तो उस मसाला का नाम हल्दी क्या, हाँ मसाला का उसका नाम क्या बाबू, जैसे आपके घर में मसाला एवरेस्ट का मसाला यूज होता है, किचन किंग क्लोरोफिल यूज होता है ना, तो यहाँ पे प्लांट के मसाला का नाम क्या बिरयानी है, क्लोरोफिल। मसाला प्लांट के मसाला का क्या नाम है, क्लोरोफिल। तो इतना, क्लोरोफिल क्या होता अरे समझो बाबू, ये एक तरह का बाबू है ना बाबू, जो प्लांट भोजन बनाता है बाबू, तो उसको बनाने के लिए बाबू एक तरह का क्या, पिगमेंट है, ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन कलर का होता है। तो आप अपने ले, ले, अपने बाबू स्तर पे यही याद रखो बाबू, कि प्लांट को खाना बनाने के लिए वो है ना, लीफ को खाना बनाने के लिए हमको चार चीज चाहिए। पहला क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दूसरा सनलाइट चाहिए, तीसरा वाटर चाहिए, चौथा क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ये चारों के चारों चीज बाबू एक जगह अगर मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, आपका भोजन बनेगा, क्या बनेगा, भोजन बनेगा, भोजन बनेगा, है ना। अब आगे आपको समझाते हैं, अब हल्ला नहीं, अब कैसे कैसे भोजन बनेगा, ये कहाँ से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, सनलाइट कहाँ से मिलेगा, वाटर कहाँ से मिलेगा, क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा, इसको समझो, है ना। तो आपको भी पढ़ना है बाबू, कहाँ गई हमारी वो भोली मनीषा, आप किसी भी क्लास में पढ़ो भोली, उससे मतलब नहीं है, एक बार पढ़ लिए 7, 8, 9, 10 सब क्लियर हो गया, है ना। देखो बाबू सिवान, ये कौन है, कौन सा ज्यादा वीडियो का बंद है जी, भोला सर मैं टॉयलेट जल्दी जाइए, जल्दी आइए, ये ना कि जाके सो जाना, गो टू टॉयलेट सर प्लीज सर जल्दी जाओ, जल्दी आइए, जल्दी जाइए, जल्दी आइए। टॉयलेट में सोने कौन जाता है सर बहुत सारा बच्चा पढ़ के डर के मारे बाबू जाता है, सो जाता है ना। तो मैं सुबह का आदत है अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये सबका सुबह शाम का आदत है। अभी खाना बन रहा है बाबू, खाना कैसे बनना आता है वो सीखो,
अभी इसके इसका डायग्राम बनाएंगे, अभी प्लांट का डायग्राम बनाएंगे, तो पहले समझा देते हैं उसके बाद आपको डायग्राम बनाएंगे ना, डायग्राम वगैरह बना सर बना पहले चुके हैं प्लांट का डायग्राम। सर हाँ तो फोटोसिंथेसिस वाला बनाएंगे ना, नीचे वाला मिटा रहे, मिटा रहे बाबू। फिर आप लोग का टीवी वगैरह लगा देंगे तो और क्लियर दिखाई देगा, है ना सर? मन से समझते चलना बाबू, शिवांश बोला तब है ना परसों सर? आएंगे ना सर, आप बोले देखो थे 1 अप्रैल से। यस सर। हाँ बो, हाँ हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला करोगे तो डिस्टर्ब हो जाता है। एक बाबू एक पेज यहाँ पे चिपकाना। वीडियो अरे दिखा रहे हैं भोला मेरा। देखो पहले आपको प्लांट का लीफ के बारे में बता देते बाबू, है ना? हाँ सर, एक मिनट बोला। देखो प्रोजेक्टर में क्या होता है बाबू, मेरे किल ग्लेयर करता है ना, टेप भी शायद लगता है कि नहीं है। मन से पढ़ा शिवांश? सर, इसको हम लोग पहले से ड्रॉ कर चुके हैं। हाँ तो इसके आप ड्रा कर चुके हैं ना, सही बात है कि आप ड्रा कर चुके हो। फिर से एक ड्रॉ करेंगे क्या? नहीं, ड्रा नहीं करना, इसके बारे में हम आपको बता देते थोड़ा सा कि अल्लाह नहीं, नेक्स्ट बाबू यहीं पे ग्लेयर कर रहा है जी। सर सर पेपर में पूरा ग्रीट थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। ठीक है, हो गया। यस यस सर सर हो हो गया, गया। चलो सर ठीक। वहां पे सर ये बनाना भी है ना सर? नहीं बनाना नहीं है, सर वहां पे पेंटियोल लिखा है सर, मतलब अच्छा ठीक है, अल्लाह नहीं, अब शांति से समझो। देखो पेपर में तो बाबू ग्लेयर कर रहा था, अब नहीं ग्लेयर करेगा। देखो क्या होता, क्या बाबू बोर्ड में क्या होता, रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन होता है जिसके कारण आपका क्या करता है, ग्लेयर कर देता है ना, चिकना सर अभी आप है ना। लाइट खरी पढ़ा रहे थे रिफ्लेक्शन चलो ठीक है, आप समझिए बात को। ये आपका क्या बाबू, लीफ है ये, क्या आपका लीफ है ना, लीफ है तो आप लोग लीफ तोड़ोगे तो इसी तरह से आपको दिखाई देगा लीफ, है ना? मन से पढ़ना शिवांश बाबू और बोली मनीषा, है ना? ठीक शिवान बाबू, तो हम थोड़ा जूम कर देते हैं, है ना? बस। सर बस चलो ठीक है, हो गया जूम, दिख रहा है बाबू शिवान? ए बोला शिवान दिखता है जी? पूरा हाँ क्लियर है। हाँ चलो पूरे क्लियर है ना मन से। तो ये आप लोग बाबू देखे होंगे, क्या करेंगे दुर्गा जी, ये आप लीफ तोड़ोगे ना तो देखोगे, तो लीफ में बाबू इसको ये जो डंडी टूटेगा उसको स्टेम कहेंगे, ठीक? ये वाला जो बाबू, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है, क्या पेंट, गलत लिखा, पेटियोल है, PATIOL ही होता है, पेंटियोल कर दिया, पेटियोल होता है, क्या होता है, पेटियोल होता है, ठीक? नेक्स्ट, ये पूरा जो लीफ वाला सरफेस है इसको लेमना कहा जाता है, लेमना, क्या कहेंगे, लेमना कहेंगे। ये पूरा जो चौला सा पोर्शन, लीफ वाला पोर्शन होता है ना वो लीफ, बोलते अच्छा लिखे ठीक है, ब्लेड लिखा है, ठीक? ये जो लीफ वाला बाबू पूरा सा पोर्शन है चौला वाला, जैसे लीफ देखते हो तो कितना ज्यादा है ना, चौला होता है कि नहीं होता, ब्रॉड होता है ना, तो वही जो ब्रॉड सरफेस है उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेमना कहते हैं, क्या कहते हैं, लेमना कहते हैं। थर्व नहीं ना है जी, थर्व नहीं है। सिवान बाबू वीडियो ऑन करो जी, भूमि ऑन कीजिए, लेस। अनन्या शैतान वीडियो ऑन कीजिए, सिवान बाबू वीडियो ऑन कर बोला, ठीक? नेक्स्ट बाबू यहाँ पे देखो बाबू, बीच से बाबू एक मोटा सा लाइन पास होता है, बीच से देखोगे तो मोटा सा लाइन पास होगा जिसको हम लोग क्या कहोगे, मिडरिब कहेंगे, क्या कहेंगे, मिडरिब कहेंगे, ठीक? नेक्स्ट यहाँ पे बाबू छोटा छोटा, अच्छा ठीक, ये बीच से छोटा छोटा लाइन पास होगा जिसको क्या कहेंगे, वेन कहेंगे, क्या कहेंगे, वेन कहेंगे। हालांकि नहीं, नेक्स्ट बाबू लीफ के लास्ट वाले पोर्शन, लीफ का जो लास्ट वाला पोर्शन रहेगा उसको एपेक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एपेक्स कहा जाता है ना, एपेक्स कहा जाता है। और लीफ का जो किनारा वाला पोर्शन होता है, किनारे में साइड से, जैसे कॉपी ले लो चाहे पेज ले लो कोई भी चीज ले लो, जैसे मान लो ये आपका रिमोट है, तो रिमोट का जो किनारा होता है ना बाबू, इसको आप लोग क्या कहोगे, किनारे कहोगे, है ना?
तो उसी तरह से लीफ का जो वो साइड वाला पोर्शन होता है ये उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। इतना चीज आपको लीफ के बारे में याद होना चाहिए ना, क्या कहेंगे उसको, मार्जिन कहेंगे। क्या कहेंगे, ए श्रुति भारती वीडियो ऑन करो, क्या कहेंगे, मार्जिन कहेंगे। तो लीफ का इतना सारा क्या होता है, पार्ट होता है। ये आपका स्टेम हो जाएगा, ये आपका पेटियोल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लेमना हो जाएगा, ये आपका एपेक्स हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, मार्जिन हो जाएगा, है ना। ये बीच में बाबू देखना, आप लोग जाना सुबह उठना, जाना एक लीफ लेना और उसमें आप ऑब्जर्व करना, फिर पापा जी से पूछ लीजिएगा किसको क्या कहते हैं, नहीं तो फिर मेरा वीडियो देख लीजिएगा, है ना। ठीक, जो सबसे किनारे वाला पोर्शन होगा उसको, नहीं उसको एपेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एपेक्स कहेंगे, एपेक्स कहेंगे ना, एपेक्स कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे समझो, है ना, समझते चलना, खाली समझने की चीज है, बहुत लिखा दिया, अब लिखाएंगे नहीं, खाली समझते चलना, है ना, समझते चलना। क्या कर रहा है बिना बाबू, ढोलक बजा रहा जी। नेक्स्ट बाबू, अब आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू, कैसे बहन वीडियो ऑन करो जी। अब आगे आपको हम क्या पढ़ा रहे, लीफ मेरा कैसे खाना बनाएगा उसके बारे में सीखो, है ना, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, खाना कैसे बनता है। कहाँ है बाबू, है फोल्डर जी, देखिए देखो लीफ कैसे खाना बनाता है वो समझो, है ना। तो मान लो बाबू हम लोग किसी जंगल में चलेंगे, कहाँ चलेंगे, किसी जंगल में, जंगल में जा रहे हो, शांति से समझते चलना, जंगल में चलो, ब्यूटीफुल चलो बाबू, गार्डन में भी तो जा सकते हैं ना। हाँ हाँ चलो कहीं भी चलो। अब मान लो बाबू किसी एक प्लांट के पास चलेंगे, मान लो इसी प्लांट के पास चल रहे हैं, शांति से चलते चलना है, कहानी सुनते चलो, चलते चलो, बस यही करना और कुछ नहीं करना। अगर सर ये तो अमेजोन जंगल है, ये तो अमेजोन जंगल है। अच्छा ठीक, अब शांति सुनो, ये हम मान लो कहीं हम बाबू, है ना, छोटा मोटा, है ना, नहीं छोटा है मोटा गार्ड, अच्छा ठीक है, ना छोटा मोटा गार्डन में चलेंगे, गार्डन के किसी एक प्लांट के पास जाएंगे, है ना, प्लांट के पास जाए, अब इस प्लांट के पास क्या हो गया, पहुंच गए, शांति से समझते चलना, इस प्लांट के बाबू हमको क्या चाहिए, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, सारा चीज याद होना चाहिए, प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो वाटर कहाँ से मिलेगा, हवा से, नहीं, प्लांट को वाटर कहाँ से मिलेगा, रूट से, कहाँ, प्लांट के रूट से, रूट कहाँ रहता है, अंदर में, है ना, अर्थ के अंदर। तो इस प्लांट के कहाँ चलेंगे, रूट वाले पार्ट में चलेंगे, तो इस प्लांट के अंदर चलो, इस प्लांट के नीचे चलेंगे बाबू, तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर से दिखाई देगा, रूट के अंदर बाबू, है ना, जमीन के अंदर चलेंगे, हर हाँ प्लांट के हर एक रूट का शेप अलग अलग होता है, अजीब अलग अजीब अलग का। सबका अलग अलग होता, तो इसी तरह से आपको क्या दिखाई देंगे, रूट से दिखाई। अब हल्ला नहीं, शांति सुनते चलो, ये रूट्स हो गया, ठीक सर। अब नेक्स्ट बाबू, रूट जमीन में जाओगे बाबू, जमीन में जाओगे तो जमीन में, है ना, मिट्टी, जमीन के अंदर जाओगे तो मिट्टी में क्या रहता है, वाटर रहता है, मुआ मिट्टी देखोगे गीला टाइप का होता, तो मिट्टी में क्या रहेगा, उसमें वाटर रहेगा। पानी डालती अच्छा ठीक, हल्ला नहीं, भी है। एक बार भाई ने थोड़ा सा खोदा था तो गीला अच्छा ठीक, मिट्टी क्या रहता, गीला गीला रहता, मतलब उसमें क्या रहता, वाटर रहता, क्या रहता, वाटर रहता। था। अच्छा ठीक है, उसमें क्या रहता, वाटर रहता, ठीक। अब वो वाटर बाबू रूट के थ्रू, ये देखो ये आपका क्या है, रूट्स है, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये क्या है, वाटर है, वाटर है, इस वाटर, यह वाटर बाबू रूट्स के थ्रू कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। देखो ये सारा का सारा वाटर क्या हो रहा है, रूट्स के थ्रू कहाँ जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा। ये देखो कहाँ जा रहा है, शांति समझना, ये जो वाटर है भोला, रूट के थ्रू कहाँ जाएगा, है ना, ऊपर स्टेम में जाएगा, स्टेम के पास बाद भी कहाँ जाएगा, लीफ में जाएगा। तो हमको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, लीफ को खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, तो पानी कहाँ से मिलेगा, रूट से मिलेगा, कहाँ मिलेगा, याद करते चलना है, कहानी है, याद करते चलना शिवान। खाना बनाने के लिए हमको क्या चाहिए और ये बाबू, पानी वीडियो चाहिए। तो बार दिखा चुका अच्छा ठीक है, अल्लाह नहीं कीजिए, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी कहाँ से मिलेगा, रूट से, तो रूट से पानी पहुंच गया स्टेम के थ्रू, देखो ये पानी आ गया स्टेम के थ्रू आ रहा है पानी, और कहाँ आ गया, ये आपके लीफ पे आ गया, पहुंच गया पानी यहाँ पे। नेक्स्ट बोला, आगे समझो, ठीक, तो लीफ के पास क्या आ गया, पानी आ गया, अब समझना, और लीफ के पास पानी तो आ गया सर, अब दूसरा क्या चाहिए, आपको सनलाइट चाहिए, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए पौधे को, सनलाइट। तो ऊपर में जैसे लीफ क्या होता है, देखते हो बाबू इन्वायरमेंट रहता था, सनलाइट तो इसको हमेशा मिलते रहता, तो ऊपर से क्या आ गया, सनलाइट आ गया, सन सन ऐसे से क्या, ठीक, ऐसे और सनलाइट से क्या, सन से क्या आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, सन से लीफ के बाबू, लीफ जैसे छत पे जाते तो देखते हो बाबू लीफ पे क्या रहता, सनलाइट आते रहता, आते रहता, तो लीफ पे क्या आ गया, सनलाइट आ गया, जमीन से लीफ के पास क्या आ गया, आपका वाटर आ गया।
और हमको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इस लीफ में बाबू छोटा छोटा छिद्र होता है, छोटा छोटा ओपन ओपन क्या होगा, होल होगा लीफ में। जैसे हम लोग का स्किन कभी स्नान करोगे ना, स्नान करने के बाद देखिएगा यहाँ पे ऐसे रगड़िएगा तौली से, तो आपको अपने स्किन में क्या दिखाई देगा, छोटा छोटा पोर्स दिखाई देगा, होल दिखाई देगा, ठीक है ना। अब अभी आप लोग देखोगे ना अपने स्किन को, भूमि कहाँ गई हमारी भूमि, अब भूमि कहाँ गई जी, भूमि ना ये बोले, हाँ अपना स्किन भूमि ऐसे करके रगड़ोगी पानी लेकर थोड़ा सा, तो आपको छोटा छोटा पोर्स दिखाई देते हैं। किसके किसके स्किन में नहीं है, तारे के बच्चे के स्किन में है ना जी, है सर मेरा कि नहीं है, जबान, सर मेरा सर मेरा भी हाथ बांध के दे बाबू, है, सर मेरा नहीं है, सर मेरा भी है, सर मेरा हाथ कोट में है, है, मेरा नहीं है, प्लीज रुद रुद मेरा रुद के शरीर में भी नहीं नहीं, सर है। मेरा भी है, नहीं सर है, अब जिसके शरीर में नहीं सर रहेगा मेरा भोला नहीं था, है, हाँ तो नहीं रहेगा तो आपको डिफरेंट टाइप के डिजीज हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, ब्लीड पस ठीक है ना, वाटर वगैरह ये क्या होता है, वाटर ब्लीड वगैरह क्या होता है, नहीं बाहर निकल। होगी अच्छा ठीक, तो हल्ला नहीं, नहीं है अच्छा सर, ठीक, हाँ सिस्टम अच्छा नहीं पढ़ा है, ठीक, सारे को होता है। तो उसी प्रकार बाबू लीव्स के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी पोर्स के थ्रू इसमें क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। तो लीफ के पास हम आपको क्या क्या चाहिए, सनलाइट, सनलाइट क्या हो गया बाबू, उस सन से मिल गया, और बाबू आपको वाटर चाहिए, वाटर जमीन से मिल गया, और बाबू इस पे हमको क्या चाहिए, बाबू आपको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोला क्या मिल जाएगा बाबू, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से मिल जाएगा। तो ये लीफ में सारा चीज आ चुका है, ये लीफ में क्या हो गया, सारा सनलाइट आ गया ना जी, पानी नीचे से आ गया ना रूट से जी, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में, इसके चारों तरफ क्या एटमोसफेयर है, वातावरण है, तो एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ ही है, तो इसमें छोटा छोटा पोर्स होगा और इसमें क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। और लीफ के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता, तो ये सारे चीज मिल के बाबू क्लोरोफिल के पास जाएंगे और खाना बनाएगा। अब इस लीफ के अंदर चलेंगे, ये भी आपका क्या लीफ है, इस लीफ को काट के अंदर चलेंगे, ठीक है ना, इस लीफ को बाबू काटेंगे, लीफ है ना, हल्ला नहीं, इस लीफ को क्या भोला क्या, हल्ला नहीं, इस लीफ को, तो इस तरह से आपको लीफ दिखाई दे रहा है ना, ठीक। क्या अब इस लीफ को बीचे से काट के इसके अंदर चलेंगे, लीफ को क्या करेंगे, बीचे से काटेंगे, यही ना लीफ है बाबू। अब इसको काट के इसके अंदर चलेंगे, कहाँ चलेंगे, लीफ के अंदर चलेंगे, है ना। तो इस तरह से काटेंगे तो लीफ के अंदर इस तरह से आपको क्या दिखाई देगा, स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। लीफ के अंदर चलेंगे तो इसी तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देता, माइक्रोस्कोप वगैरह से देखोगे ना, तो इसी तरह से लीफ के अंदर क्या रहेगा। उधर क्या देख रहे, बोलिए कौन है जी, सनविका, पीछे क्या देख रहे सनविका, बहुत पिटेंगे सनविका, सर, मेरी बहन मुझे परेशान कर रही है। सर अल्लाह नहीं, लीफ के अंदर बाबू, लीफ के अंदर चलोगे ना माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरह से क्या होता है, स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है, क्या देता है, इसी तरह से लीफ के अंदर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर्स रहेगा, है ना, ठीक। अब इसके अंदर भोला मेरा देखो, ये अपर लेयर हो गया, माइक्रोस्कोप से सब देखोगे तो दिखाई देगा, है ना, नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देगा, है ना, ठीक। यीशु ये जो है बाबू, यही आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, इसी के अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, ये जो आपको बाबू दिख रहा है ना डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर, इसी के अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। अब इसी खा इसी क्लोरोफिल के अंदर भोला मेरा, शांति से समझते चलना, इसी क्लोरोफिल के अंदर कौन कौन आएगा, इसी के पास आपका पानी है, वाटर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और बाबू क्या जाएगी। आएगा, बाबू सनलाइट आएगा, और सारे मिलके बाबू यहीं पे आपका क्या बनेगा, खाना बनेगा। तो इतना प्रोसेस के तहत बाबू मेरा क्या करता है, प्लांट खाना बनाता। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आगे देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड आता कैसे वो आपको बताते हैं ना, देखो बाबू नेक्स्ट भोला, पहले ये देखो, ये आपका क्या है, ट्यूब्स है, ये बाबू ये क्या है, लीव्स के अंदर ट्यूब, पानी नीचे से चला ना जी, रूट से पानी चल गया, तो पानी को ले जाने के लिए नल चाहिए, अरे ये पाइप चाहिए ना बाबू, पाइप चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, बाबू छत पर से पानी आता है तो डायरेक्ट थोड़ी आता है, पाइप के थ्रू आता है, तो वही इसका क्या है, लीव का क्या है, ट्यूब्स है, ये क्या ट्यूब्स है, इसी के थ्रू क्या आएगा, वाटर आएगा, देखो वाटर निकल गया, ये लीव के अंदर, अभी हम लोग कहाँ, लीव के अंदर, लीव के अंदर काटोगे ना तो इसी तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, हम लोग कहाँ पहुंचे, लीव के अंदर, ठीक। ये आपका बाबू गार्ड सेल, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं ना, इसी के थ्रू क्या आएगा, ये मैंने समझो ना, स्मॉल स्मॉल पोर्स है,
देखो इसी के थ्रू क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कहाँ आ रहा है, लीफ के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है, ठीक। और उधर से बाबू आपका क्या आ गया, पानी आ गया। अब ये सारे कहाँ जा रहे हैं बाबू, है ना, ये आपको सारे कहाँ जा रहे हैं, क्लोरोफिल के पास, क्लोरोफिल के पास जाएंगे और वो यहीं पे मान लो खाना बनेगा आपका, यहीं पे क्या बनेगा, खाना, क्लोरोप्लास्ट है बाबू, है ना, यहीं पे आपका क्या बनेगा, खाना बनेगा। अब ये जो खाना बनेगा भोला, फिर इसको क्या करेगा प्लांट, अपने थोड़ा सा खाना क्या करेगा, अपने ग्रोथ को यूटिलाइज करेगा, थोड़ा बहुत बचा के रखेगा। अब वही जो खाना बचा के रखेगा उसी को हम लोग खाते हैं, जैसे आप लोग बाबू पापा जी हैं, तो पापा जी, आपके पापा जी पैसा कमा रहे हैं तो क्या करते हैं, मान लो 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 50,000 खर्चा करते हैं, 50,000 बचाते हैं ना जी, ताकि बाबू आप लोग उसको यूज करो। तो उसी तरह प्लांट होता है, जो खाना बनता है तो कुछ बार पार्ट बाबू अपना ग्रोथ के लिए है ना यूज करता है, अब बाकी थोड़ा बहुत जो बच जाता है जिसको हम लोग क्या करते हैं फ्रूट्स वगैरह में क्या होता है ऑब्जर्व होता है ना, और उसको हम लोग खाते हैं ना बाबू, भीट वगैरह जो भी होता है ना चावल का, है ना। तो यही क्या है आपका कंप्लीट फोटोसिंथेसिस है, यही आपका क्या है कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। और आप लोग थोड़ा सा बड़ा हो जाओगे तो और आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, है ना, डिटेल से सर तो पढ़ाएंगे, आप ठीक। छुट्टी हो गई, बाय बाय। नेक्स्ट इसका डायग्राम रह गया, फोटोसिंथेसिस का डायग्राम बनाना रह गया ना, बनाना रह गया है ना, ठीक है ना भोला। समझ में आया दीजिए सिवान, थोड़ा थोड़ा समझ में आया सिवान बाबू कि नहीं आया जी, क्या सर, बोला आया। सिवान, आ गया जी, यस बाय सर, गुड नाइट सर, बाय ठीक है, जी सर, लीजिए, जी बाय जी लीजिए, सर, जी लीजिए, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, सर। गुड नाइट सर, पापा जी फोटो बाय बाय बाबू, पापा जी सिवान से बोला। दिखाइए।